मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया है केमिस्ट्री क्लास 11 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। हम स्मार्ट सिलेबस के तहत हम ये जो लेक्चर हमने स्टार्ट किए हैं, अब ये जो केमिस्ट्री 11 में हमारा है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यील्ड है। यील्ड में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आज मिलेगा, इसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तहत इसको हमने देख लेना है यील्ड का डाटा। अब इसमें यील्ड की डेफिनेशन देखें, आप यील्ड होती क्या है, यील्ड हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसे, कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस कैलकुलेशन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन इसकी ये है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में बनेगी ना हमारी प्रोडक्ट, मतलब एक होते हैं रिएक्टेंट, जिस तरह हमने हैबिट प्रोसेस देख लें, एन टू प्लस 3H2 क्या बन जाते हैं, 3NH2 ये हमारे बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसे हम यील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल बैलेंस, मैं वो केमिकल इक्वेशन बोल रही थी, ये मैं केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड यील्ड और यील्ड और यील्ड ऑफ रिएक्शन बोलेंगे इसे, और यील्ड ऑफ बैलेंस प्रोडक्ट। अब जान हो जरा सोफा ले लेते हैं। अच्छा, इसकी टाइप्स जो है, इसकी एक्चुअल यील्ड है और एक थ्योरेटिकल यील्ड है, साथ में फर्क देखिए जरा। एक्चुअल यील्ड हमारी क्या होती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर डेफिनेशन आपको आए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन, जो हम लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन करते हैं उसके थ्रू जो हमारी यील्ड आती है उसे बोलते हैं एक्चुअल यील्ड, क्या बोलते हैं उसे, और एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन होगी, क्या होगी, लेस देन होगी किसकी, थ्योरेटिकल यील्ड, याद रखें। ये एमसीक्यूज के लिए भी आगे पढ़ते हैं, ये क्यों इस तरह होता है, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन हम कर रहे होते हैं, ठीक है, लैब वर्क में, तो क्या होता है उसमें कोई बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, तो जो हम रिएक्शन में चीज डालते हैं, मतलब जितनी अमाउंट में उतनी अमाउंट में वापस चीज नहीं आती, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। अब दूसरी है थ्योरेटिकल यील्ड, इसमें फर्क क्या है, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए जरा एक एग्जांपल देखिए, 2H2 प्लस O2 क्या बनेंगे, 2H2O। अब ये हमारे पास कितने मोल हैं इसके, 2 मोल हैं, इसके हमारे पास 1 मोल है और इसकी 2 मोल है, अगर इसको हम इसका मास लेंगे कितना मास आएगा इसका, 2, इसका क्या आएगा, 4 आएगा, 4 ग्राम इसका, 32 ग्राम और इसका 36 ग्राम, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि ये हमारे पास कितना था, 36 ग्राम, और ये हमारे पास मतलब हमने जो रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में क्या होता है, हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए होंगे, मतलब पूरा मास नहीं मिलता। इसमें फर्क समझ आ रहा है, तो फर्क क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं और एक्चुअल यील्ड हम किसे निकालते हैं, केमिकल रिएक्शन से। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और थ्योरेटिकल यील्ड ऑलवेज क्या होगी, इसमें ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से भी, तो वो ध्यान से आपने देखना है, उसमें हमें ये बताना है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाई एक्चुअल यील्ड is less than theoretical yield, theoretical yield से क्यों less होती है, ये बहुत important question आया होगा आपके दिमाग में, देखें ध्यान से, actual yield, why actual yield is less than
थ्योरेटिकल के लिए। अब इसका रीजन देख लेते हैं आपसे साथ यहाँ पे रीजन क्या होगी। अब मैंने आपको रीजन की आपके हाथ से देखें ऐसा क्यों होता है। पहले रीजन देखें साइड डायरेक्शन होते हैं, क्या होते हैं साइड डायरेक्शन मे प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट, जो हमें नई चीज सही होती है वो प्रोड्यूस होती है, मे प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट, एक रीजन ये लिखी हमने। और दूसरी रीजन हम लिख लेते हैं कि हमारी जो हीट लॉस हो रही होती है, हम कह सकते हैं मैकेनिकल लॉस ऑफ हीट, मैकेनिकल लॉस ऑफ हीट। अब मैकेनिकल लॉस ऑफ हीट कैसे हो सकती है इसकी ये एग्जांपल देखिए। अब एक क्रिस्टलाइजेशन देख लीजिए इसकी एग्जांपल, और इसमें हम देख सकते हैं डिस्टिलेशन सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल बाय, ये आप क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस दो आप लाइन एक साइड डायरेक्शन हो रहा होता है ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल हीट हमें जो है वो लेस मिलती है, और एक मैकेनिकल लॉस हो रहा होता है हीट का। ये दो आपने अगर प्रॉब्लम लिख देते हैं इसके रीजन तो आप इसके टू मार्क्स के आपको आसानी से मिल जाएंगे ठीक है। आगे समझ इसकी आप इसके लास्ट क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखना देख लें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल हीट एंड एंड थ्योरेटिकल हीट। अब आपने मुझे बताना है इसका क्या इसकी फर्क क्या है, मैं आपको ये मैं इधर बता देता हूँ आपको, ये मैं इधर तो यहाँ पे एक्चुअल सारा आपने मुझे बताना है कि एक्चुअल हीट क्या होती है और थ्योरेटिकल हीट क्या होती है। अब फर्स्ट पॉइंट बताने का मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर क्या मुझे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है एक्चुअली ऑफ क्रिएटिंग क्रिएशन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आ गया ऑब्टेन्ड इन केमिकल रिएक्शन ठीक है। और इसमें क्या आएगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस कैलकुलेशन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ठीक है। दूसरी से क्या होगी हम डिफरेंस बता सकते हैं एक्चुअल हीट इज लेस देन थ्योरेटिकल हीट और इसका क्या हो सकता है थ्योरेटिकल हीट इज ग्रेटर देन, और एक और डिफरेंस बनाया इसका क्या हो सकता है क्या डिफरेंस हो सकता है एक्चुअल हीट में। एक्चुअल हीट को हम क्या है हम इसको फाइंड नहीं कर सकते एक्चुअल हीट को हम थ्रू लिमिटेड में रखते हैं। एक्चुअल हीट इज नॉट बी फाइंड इज नॉट फाइंड बाय लिमिटिंग एक्ट इसमें जो है एक्चुअल हीट इज फाइंड By limiting method. By limiting reaction. तो उम्मीद करता हूँ आपको actual yield के बारे में चल गया होगा और traditional yield में क्या difference है। एक last question रह गया वो है percentage yield क्या है is divided by
is divided by theoretical yield, theoretical, and multiply by 100, and multiply by 100. ये डेफिनेशन है। अब इसमें होता है क्या, देखिए जरा, परसेंटेज यील्ड। अब अगर फार्मिंग में आपने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टडी भी करेंगे, और परसेंटेज यील्ड क्या फार्मूला होगा सर, एक्चुअल यील्ड फॉर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। ये हम एक भी फाइंड करते हैं, ये एफिशिएंसी निकालने के लिए फाइंड करते हैं हम। अगर हम एफिशिएंसी निकाल लिए ना, तो मतलब हमारा जो है रिएक्टेंट जो है वो कितना प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इससे भी एफिशिएंसी से हम एफिशिएंसी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। तो हमने इसके चार पांच छह क्वेश्चन हम इसके देखे हैं, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड, डिफाइन परसेंटेज यील्ड, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ यील्ड, और हमने यह देखा रीजन इज कि क्यों ज्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कोई ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसको प्लेलिस्ट, अगर आप जाएं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में तो इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर भी डाले हुए हैं, वो भी आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो जरूर से लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।